सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। आइए आपको लिए चलते हैं नजीबाबाद तहसील के गांव राजारामपुर स्थित धान क्रय केंद्र पर, जहां एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रातः जलालाबाद क्षेत्र के गांव राजारामपुर स्थित धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। एसडीएम ने धान की तोल करने आए किसानों से जानकारी ली। एसडीएम ने धान क्रय केंद्र के प्रभारी मोहित के न मिलने पर तत्काल संपर्क किया। प्रभारी ने एसडीएम को एक अन्य धान क्रय केंद्र पर धान तोल व्यवस्थाएं देखने में व्यस्त होने की जानकारी दी। एसडीएम ने राजारामपुर धान क्रय केंद्र पर खरीदे गए धान का तत्काल उठान कराकर गोदाम खाली रखने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की धान की तोल सुविधा के साथ कराने चाहिए। सिटी हलचल के लिए राजपाल चौहान के साथ मैं धर्मेंद्र। एक में कितना होता है? 600 बोरी 200 कुछ कुंटल का। रसद विभाग द्वारा धान क्रय केंद्र, जिसके केंद्र प्रभारी मोहित हैं, उसका निरीक्षण किया। यह बताया गया कि मोहित गुरु नानक मिल में हैं। उन्होंने मोबाइल से हमसे वार्ता की। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए कि जितने भी खरीदे हुए धान हैं वो सरकारी संपत्ति है, उसको जल्द से जल्द मिलर के यहाँ, जो भी इनके गुरु नानक मिल का बताया गया, वो पहुँचाया जाए। और केंद्र पे साफ सफाई की व्यवस्था उचित नहीं लगी, जिसको कि निर्देशित किया गया। क्या आपका धान यहाँ पर सही बिखरा नहीं बिखरा? सही बिखरा। कोई परेशानी आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी तरह की। आपका कहाँ से आए हैं आप? तारपुर। आपका धान यहाँ पर सही बिखरा है? हाँ जी। किस तरह की कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी कुछ नहीं है, टाइम तो लगता है हर काम में। ठीक ठीक।